दोस्तों Redmi 10 Power मोबाइल में आपको किसी भी ऐप्स को लॉक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की जो सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे की तरफ जाना है और एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स, तो आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऐप लॉक, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना, जो भी आप रखना चाहते हो, या फिर पैटर्न बना लेना है। उसके बाद फिर से आपको वही पैटर्न डाल देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर MI अकाउंट को ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारे ऐप्स को आपको अनटिक कर देना है, जितने भी ऐप्स दिख रहे हैं इनको सबको अनटिक करना है। और उसके बाद यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है फिंगरप्रिंट के लिए, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही कुछ ऐप्स लॉक कर रखे हैं। यहाँ पर आप जो है किसी भी ऐप्स को लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से आएगा, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप को भी लॉक कर सकते हो। जितने भी ऐप्स दिख रहे हैं सभी को यहाँ से लॉक कर सकते हो। लॉक करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऐप्स लॉक हुए कि या नहीं हुए। उसके पहले एक सेटिंग देख लीजिए, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर, लॉक सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर क्लिक कर देना है। बस ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने जो है आप उसी ऐप्स को ओपन करोगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप बिजनेस को लॉक किया था, तो यहाँ पर देखिए इस पर लॉक मांग रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो।